हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिस्ट विद लव। वी ऑल मेड अ ट्रिस्ट विद अस सम टाइम इन लाइफ एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। दोस्तों, लेट्स डिस्कस द फाउंडेशनल केस ऑफ आइडिया एक्सप्रेशन डाइकोटमी एंड दिस इज दोनोग वर्सेस अलाइड न्यूज़पेपर्स लिमिटेड। फैक्ट्स ऑफ द केस बस जानने के लिए इतना जरूरी है, प्लेंटिफ वॉज अ ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन। एक न्यूज़पेपर ने, न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड ने उससे बोला कि भाई तुम कुछ आर्टिकल हमें दे दो, और इसके लिए उसने एक फेल्स्टीड नाम के बंदे को न्यूज़पेपर ने डिप्यूट किया। अब ये चूंकि कोई भी स्पोर्ट्स स्टार जनरली देर बिजी, कभी दौड़ रहा है, कभी गाड़ी से कहीं ट्रैवल कर रहा है, तो फेल्स्टीड उसके साथ हमेशा हर जगह लगा रहता था, फॉलो करता था। और लेट से वो अभी सुबह दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते उसने कुछ कहानी सुना दी। अब फेल्स्टीड ने कुछ नोट डाउन कर लिया। अब इसके बाद घर जाकर, अच्छा ये केस के फैक्ट में गिवन है कि फेल्स्टीड को शॉर्ट हैंड में लिखने नहीं आता था, तो वो घर जाकर बेस्ड ऑन वॉट एवर इंफॉर्मेशन उसने लिखा हुआ है ट्रैवल करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, कहीं जाते हुए, उसके बेसिस पे वो एक आर्टिकल लिखता था। वो आर्टिकल लिखकर आकर डोनोग से पढ़ को ही यूज टू रीड आउट टू हिम। अगर डोनोग को कुछ करेक्शन कराना है तो बता देता था। अब करेक्शन जो भी बताएगा उसको फेल्स्टीड साइड में नोट कर लेता था। नाउ इट वाज फेल्स्टीड वो डिसाइड करता था कि उसको इनकॉर्पोरेट करना है नहीं करना है, ऑल्दो फाइनल ड्राफ्ट भी वो पढ़ा देता था। अब हुआ यूं कि उसके आर्टिकल्स पब्लिश हुए माय रेसिंग सीक्रेट पर स्टीव डोनोग करके। इसके 5 साल बाद एक दूसरी न्यूज पेपर जैसे लाइव न्यूज पेपर लिमिटेड को लेट से फेल्स्टीड ने अप्रोच किया और बोला कि ये जो आर्टिकल है आप इसको अपने में पब्लिश कर दो, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे सो दैट पब्लिक को लगे कि नए आर्टिकल्स हैं। अब इनके बीच में, अच्छा उस समय जब पहली बार उसके न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड में आर्टिकल पब्लिश हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें सब बातें थी कि वो डोनोग ये सब बात दूसरे किसी न्यूज़पेपर को नहीं देगा। यहाँ पे अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ फेल्स्टीड में और अलाइड न्यूज़पेपर में हुआ, फेल्स्टीड को उसके बदले हर आर्टिकल के लिए कुछ 300 यूरो मिल गया। उसने बोला भी फेल्स्टीड ने कि भाई मैंने डोनोग को बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये आर्टिकल पब्लिश हुए डोनोग ने केस किया कि भाई मुझे तो इट्स अ वायलेशन ऑफ माय कॉपीराइट इन दिस आर्टिकल और मेरे बिना परमिशन के ये पब्लिश हो रहा है। तो इस केस में ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स का केस है, सॉरी चांसरी डिविजन का केस है, 1937 का। इस केस में सबसे प्राइमरी इशू ये है, क्या डोनोग वो जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे न्यूज ऑफ द वर्ल्ड में, क्या उसका सोल ओनर या जॉइंट ओनर है क्या? अब इसके लिए यहाँ पे आइडिया एक्सप्रेशन डाइकोटमी का फाउंडेशनल यहाँ पे शुरू होता है कि ऑल्दो वो जो कहानी थी, जो आइडिया था, जो जो लिखा गया, जो उसमें कैप्चर हुआ हर आर्टिकल में, वो डोनोग का आइडिया था, उसी ने बताया था ऐसी ऐसी बातें हुई हैं, बट उसका जो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है वो तो फेल्स्टीड का था। और कोर्ट ने कहा, और यहाँ पे उसने एक पुराने केस का रिफर किया जो कि इवांस वर्सेस हल्टन कंपनी लिमिटेड केस को उसने रिफर किया, उसमें बोला कि जो बताता है उसका नहीं कुछ उसमें कॉपीराइट होता है, जो उसमें एग्जैक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करता है। और इनफैक्ट इस केस के फैक्ट सिमिलर ही थे, विद द ओनली डिफरेंस बीइंग कि इवांस वर्सेस हल्टन में जो कहानी बता रहा था वो इंग्लिश में नहीं लिख सकता था, ही वॉज अ फॉरेनर, जबकि इस केस में डोनोग भी और फेल्स्टीड दोनों इंग्लिश जानते थे, लिख सकते थे। तो बट द प्रिंसिपल रिमेन्स सेम कि मुझे एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है, चाहे वो लिटरेरी आर्टिकल हो, फिगर हो, कोई पिक्चर हो, मूवी हो, तो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन में कॉपीराइट होता है, और यहाँ पर एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फेल्स्टीड का था। सो ना डोनोग ना सोल ओनर है ना जॉइंट ओनर है, और इसलिए ये एक्शन मेंटेनेबल नहीं है। उसके पास रेमेडी क्या है? अब वो रेमेडी मतलब इससे, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट तो हुए थे न्यूज ऑफ द वर्ल्ड से, उससे केस करे कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर उस अग्रीमेंट में लिखा है, और न्यूज ऑफ द वर्ल्ड इन टर्न फेल्स्टीड को पकड़ेगा। तो ऑल्टरनेटिवली फेल्स्टीड अगर डोनोग से ऑलरेडी बता चुका है और उसको ऑलरेडी उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तब कुछ नहीं होगा। बट लेट अस फोकस ऑन द कॉपीराइट एस्पेक्ट ऑनली। और इस पे जब भी आप लिखेंगे, हम कॉन्ट्रास्ट करेंगे इसको नजमा हिब्तुल्ला वर्सेस एक और केस था अपने LLB के केसमेंट में, तो दिस केस इज टाइटल नजमा हिब्तुल्ला वर्सेस ओरिएंट लॉन्गमैन लिमिटेड एंड अनदर। तो इसमें इसमें जो नजमा हिब्तुल्ला के जो ग्रैंडफादर या फादर होने चाहिए, ही वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, और उन्होंने मतलब कहानी बताते थे और उसको ये जो कंपनी है एक बंदा उसको नोट डाउन करता था, और उसने सिमिलर सिचुएशन में सब चीजें हुई। बट कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे ये रूल किया
ही जो मुझे नाम नहीं याद रही, वॉज अ वेरी मतलब ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट मुस्लिम पर्सनैलिटी, ही वॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी, नेहरू पटेल और मौलाना आजाद, हाँ मौलाना आजाद नाम था उनका। तो कोर्ट ने कहा कि मौलाना आजाद इज जॉइंट ऑथर ऑफ दिस बुक, और इसलिए सिंस ही इज नो मोर, तो उनकी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है नजमा हेपतुल्ला, शी विल हैव कॉपीराइट, तो उनका भी इसमें राइट बनता है। तो आप कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं कि ये यूके में ये था और यहाँ पर ये, मतलब ऐसा फॉलो हुआ है। ऑल्दो कोर्ट ने जस्टिफाई किया है, बट स्टिल आपको अगर आप पढ़ेंगे तो देखते हैं स्लाइट डिस्पैरिटी, मतलब इस केस के दोनों वर्सेस लाइट न्यूज़पेपर्स के रैशनल में और वहाँ के रैशनल में। यहाँ पे तो कोर्ट ने ये तक कहते कि दोनों इज नॉट इवन ए जॉइंट ओनर, और वहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दोनों इज ए जॉइंट ओनर। तो आपकी जो जो आपको मतलब सही लगे आप उसके हिसाब से कंक्लूड कर सकते हैं, क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा केस, अगला केस भी डिस्कस करेंगे ईस्टर्न बुक मोन्टैक, और टिल देन बाय बाय, एंड जो भी क्वेश्चन जो भी कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में मैं हूँ ना।